एक हाँ हमारे दर्शक हैं तारकनाथ जी, और ये जानना चाहते हैं रूट मोबाइल के बारे में। 1621 के दाम पे इन्होंने खरीदा हुआ है, 15 शेयर इनके पास हैं, पूछ रहे हैं क्या करना है। अगेन ये क्वेश्चन मेरे लिए तो अगेन टफ है। मैं क्या होता है कि राउट मोबाइल एक जबरदस्त मूवमेंट देने वाला स्टॉक था और गजब का चला भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए सरकार के जो कुछ मतलब इनिशिएटिव्स थे एसएमएस को लेकर और इन सब को लेकर, उनका बहुत बड़ा फायदा इनको मिला भी, और क्लाउड कम्युनिकेशन में एक बड़ा प्रोवाइडर है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रखे, एक बहुत बढ़िया मूव भी दिया, ऊपर के लेवल से पहले करेक्ट हुआ, अब वापस से चल रहा है। वैल्यूएशंस अभी भी मैं बोलूंगा कि ठीक है, मैं बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशंस भी नहीं मानता, रीजनेबली वैल्यूड है, तो बिल्कुल इस स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। जी, तो जो इनका भाव है 1621 का, तो अभी तो थोड़े घाटे पर हैं, लेकिन लगता है आपको कि ये फायदे में आ जाएंगे? आ सकते हैं, देखिए मार्केट्स में जो अंडर करेंट है वो स्ट्रांग है और जी ऊपर के लेवल से देखिए बड़ा करेक्शन आ चुका है, और चार्ट भी देखिए आप सामने देख रहे हैं, अच्छा खासा एक कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट प्रोसेस भी दिख रहा है, ट्रिपल बॉटम भी एक बार बनाया है और रिजल्ट्स भी बढ़िया आए थे, ये क्वार्टर के रिजल्ट बहुत बढ़िया थे मार्च के, तो ये एक रीजन है कि मुझे लगता है कि इनफैक्ट ये कंपनी पहली बार शायद जो प्रॉफिट्स है ट्रिपल डिजिट्स में दिए हैं, पहले ये हंड्रेड्स के नीचे कमाती थी, इस बार ट्रिपल डिजिट्स में कमाई है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इनको होल्ड करना चाहिए और वेट करना चाहिए अपने प्राइस का, हो सकता है उसके ऊपर भी निकल जाए, क्योंकि मूवमेंट देने में इसका कोई मुकाबला नहीं है, जबरदस्त फास्ट मूव देती है। जी, आप तो फंडामेंटल ज़्यादा देखते हैं, लेकिन कोई स्टॉप लॉस देने पर भरोसा रहता है आपका, या आप कहते हैं कंपनी ठीक चल रही है तो लेकर रखे रहो? नहीं मुझे, मैं स्टॉप लॉस जनरली देता नहीं हूं, मेरा लिए स्टॉप लॉस जो फंडामेंटल पैरामीटर्स है वो स्टॉप लॉस होते हैं। देखिए ट्रेडर्स हो उनको तो देखिए अपने हिसाब से, मैं जो ट्रेडर्स होते हैं मैं ये मानता हूं कि वो लोग चार्ट देखना जानते हैं, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग आप बोरोड नॉलेज से नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है, इन्वेस्टिंग करें बोरोड नॉलेज से, इन्वेस्टिंग की जा सकती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पे आपको एंट्री एग्जिट बहुत ज्यादा फास्ट नीचे, हालांकि वहां पे भी एग्जिट कई बार लेने के लिए, बट ठीक है क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ ट्रेड्स एंड नंबर ऑफ डिसीजंस लेसर होते हैं और फ्रीक्वेंसी लेसर होती है तो ली जा सकती है। बट ट्रेडर को देखिए अपने स्टॉप लॉसेस और रिस्क एंड रिवॉर्ड्स रेशियोज को देखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तकलीफ आती है लॉन्ग टर्म में, जी और फंडामेंटली मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आनी चाहिए। और बाकी देखिए 200 डेमा में फंडामेंटल्स को देखता हूँ, बट 200 डेमा मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक पैरामीटर है, जो कि यहाँ पे जो लाल लाइन है वो 200 डेमा की लाइन जी है, जी तो मुझे लगता है कि उसको आप जरूर से हर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को देखते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और साथ में हम लोग ये भी कहते रहते हैं कि भाई हमारी तो जो डिस्कशन है वो इसलिए है कि आपको एक पर्सपेक्टिव मिले, आपका नॉलेज बेस बढ़े और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन उससे ले सकें, लेकिन फाइनली आपको निर्णय तो अपना खुद ही लेना पड़ता है, तो ये बात जरूर ध्यान रखिए। इसलिए अपनी पढ़ाई लिखाई भी साथ में ज़रूरी होती है और उसके हिसाब से निर्णय लेना होता है।